कौन से बिच्छे लगते हैं आपको, लगी है इधर कौन से बिच्छे लगे, जर्सी लगी है नहीं लगी है, सवेरे सवेरे नींद छोड़ 83, हाँ नींद छोड़ के तो स्पाइडर में देखते तो आऊँगा नहीं, 83 देखना है। हाँ जी बहुत अच्छी लगी 83, मज़ा आ गया देख के पिक्चर। 1983 की जो वो रिक्रिएशन थी कैसी थी? 100% रेप्लिका थी और ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अभी 2021 में हूँ, ऐसा लगा 1983 में ही हम वापस पहुँच गए, इतना अच्छा रिक्रिएट किया उन्होंने। और कपिल देव की जो एक्टिंग, रघुवीर सिंह ने कितने अच्छे से निभा पाए इस पिक्चर में, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी की जो फिर से रिक्रिएशन थी पर्दे पे उतरी तो वो नहीं, उससे बहुत बेटर है। हम 1983, आप जब 83 का वर्ल्ड कप देखते हो, आप तो यूट्यूब में देखते हो या कभी कोई स्पोर्ट्स चैनल पे आ जाते हैं, थोड़े ग्लिम्स आते हैं तो आपको लाइक ओके फाइन, इंडिया इज़ वन वर्ल्ड कप, इट्स फाइन। बट ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार कितनी कड़ी मेहनत की है इंडिया वालों ने क्रिकेट में, हमारा देश कौन से मुकाम पे, जीरो पे था 1983 में, आज BCCI रूल कर रहा है और उसको कबीर खान ने इतना अच्छा दर्शाया है, द वे ही हैज़ क्राफ्टेड द होल इंडियन क्रिकेट थिंग इज बियॉन्ड लाइक एक, इट्स अ अमेजिंग मूवी, इट शुड बी टैक्स फ्री, इट्स एवरीबडी शुड वॉच दिस मूवी, इट्स फॉर पीपल हु वॉन्ट टू डू समथिंग इन लाइफ एंड दे कैन अचीव एंड दे कैन डू इट। 83 कैसी लगी? सुपर हिट बोले तो रणवीर सिंह यार, मतलब कि उन्होंने उनका करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मूवी है ये, उनकी जब से वो इंडस्ट्री में काम कर रहे तब से सबसे बेहतरीन मूवी 83 उनका, सुपर काम किया बंदे ने। जब एक्शन लगी 83 में ये जी सुनी थी तो आपने फिर से जिया वो सारे पल यहाँ पे नहीं, ये मूवी थिएटर में देखने के बाद मेरे को ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं ये जो जितने भी क्रिकेट हो रहा था स्क्रीन पे जैसा फील कर रहा था मैं कि वानखेड़े स्टेडियम में मैच को फील कर रहा हूँ, मतलब कि मज़ा आ गया देखने का। फर्स्ट हाफ जो बोले तो इमोशनल है और कॉमेडी वगैरह सब भरा गया मूवी के अंदर, और एक पार्ट इस मूवी में बहुत अच्छे हैं जहाँ पे इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का एक मैच होता है, वहाँ पे कपिल देव के सारे टीम आउट हो जाते हैं, एंड में कपिल देव बचते हैं, तो वो लगातार अच्छी पारी खेलते हैं और 200 का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं यार, वहाँ पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इमोशनल रोने लगते हैं सब पब्लिक, और इंटरवल जहाँ पे होती है वहाँ पे एकदम बेहतरीन तरीके से इंटरवल होती है, वो देखते हैं कि यार पूरी इंडिया की सारे टीम जो है झंडे लहरा रहे हैं, हमारे पब्लिक कहाँ गया, हमारी ऑडियंस कहाँ, इंडिया का तिरंगा तो लहर नहीं रहा, तो वहाँ पे एक छोटा बच्चा लहराता है तो वहाँ पे इंटरवल होता है, सुपर है। और 1983 में जो जब हमने वर्ल्ड कप जीती थी जी, जब ये लास्ट लम्हा जब यहाँ पे दिखाया गया वही चीज़ तो वही गूज़बम्प्स वही फीलिंग वही आंखों से आंसू आ गए, एंड में जो वर्ल्ड कप जीतते हैं ये फाइनल का आंखों से आंसू आ गए, बोले तो इमोशनल हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर आंखों से आंसू आने, मतलब कि ऐसा फील हो रहा था यार क्या माहौल रहा होगा उस वक्त। कैसी लगी आपको? वेरी गुड मूवी ओवरऑल, वेरी गुड मूवी, यू विल एंजॉय योर टाइम सीइंग द मूवी। यू गाइस आर क्रिकेट लवर? या या। हां तो 1983 की मैच के पे ही रिलीव हुई, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? बहुत अच्छे से रिक्रिएट किया है, वी एक्चुअली फेल्ट दैट वी वर इन 1983, यू नो यू कुड एक्चुअली से यू आर सीइंग द मैच लाइव ऑन टीवी और लाइक यू कुड एक्चुअली फील ऑल द इमोशंस कमिंग इन। एंड व्हाट वाज द फीलिंग व्हेन इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता? इट वाज वेरी इमोशनल। Guys love it? Yeah. Which is the favorite song that you guys love in the movie? Lehra Do. Achha. Why? That song, it's an emotional song. It played at the right times whenever India was going through a good patch or whenever we were going through a bad patch.